Hello everyone, welcome to sleepy classes. तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रेपरेशन बहुत ज्यादा ऐसी होती है कि एक नेगेटिव टाइम इतना इतना you know, so पे हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को डाउन करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स अराउंड अस तो इस टाइम में इतनी लंबी प्रिपरेशन में हम कैसे पॉजिटिव रहें बिकॉज द पॉजिटिव स्टे क्या होगा उससे हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी फोकस भी पड़ेगा हम सबको पता है कि पॉजिटिविटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के अलावा भी यू स्टे हैप्पी योर मेंटल हेल्थ इज़ बेटर योर फिजिकल हेल्थ इज बेटर एंड ऑफ ऑफकोर्स जो आपका फोकस है वो भी साथ साथ बहुत अच्छा रहता है द रीजन मीन पॉजिटिविटी जब हम कुछ पॉजिटिव तरीके से चीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे होता है कि धीरे धीरे वी आर एबल टू डू इट इवन मोर बेटर चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन की भी बात हो जितना हम खुश होकर पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा ही हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे जितना हमारा मूड खराब होगा जितना भी आई विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिविटी उतना ही ऐसा होगा कि हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो व्हाट आर द सिंपल वेस वी कैन फॉलो जिसके थ्रू वी कैन स्टे पॉजिटिव बिकॉज़ वी ऑल नो कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है और कुछ ऐसे बहुत इजी और प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट यू कैन डू व्हिच कैन हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव विद दिस जर्नी राइट सो द फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड हम लोगों को बहुत कम ऐसा होता है कि हम ग्रे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं द रीज़न मींग वी आर नेवर थैंकफुल फॉर एनी थिंग छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं हमें उसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए द रीज़न मींग क्या होता है हमें बड़ी बड़ी चीज़ों की आदत पड़ जाती है हमारे पास वो नहीं है हमारे पास वो नहीं है वी आर सो ऑक्यूपाइड विद आर ड्रीम्स हमें क्या चाहिए इस चीज़ से हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि हमें यही नहीं समझ आता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो जो है क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं

सो द नेक्स्ट थिंग इज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ क्या होता है जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत ज़रूरी होता है हमें ऐसा लगता है कि यू नो द मेजर गोल इज़ कि हमें एग्जाम क्लियर करना है येस दैट इज़ अ मेजर गोल बट जो हम छोटे छोटे गोल्स अचीव कर रहे हैं हमें उसके लिए भी रिवॉर्ड अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है वेदर इट इज़ हाफ एन आवर का ब्रेक या वेदर इट इज़ यू नो आई 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 गो समेयर टू मोरो आई आई वॉच सम सीरीज़ और आई वॉच एनी थिंग दैट यू फील यू नो रिलेक्स यू वेदर कुड बी नो गोइंग आउट फॉर अ वाइल मीटिंग अ फ्रेंड एंड एनीथिंग लाइक दैट राइट तो इससे क्या हो रहा है हम अपने आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी फीलिंग आ रही है हमें जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ रही है क्यों क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है उस रिवॉर्ड से हमें खुशी मिल रही है पढ़ाई से भी हमें खुशी मिलती है बट एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि वी गेट टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ऑल्सो राइट तो अगर कोई रिवॉर्ड होगा तो हमें एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ अगर मैं ये पढ़ लूंगा या ये पढ़ लूंगी तो ऑफकोर्स मुझे रिवॉर्ड मिलेगा दैट विल मेकअस मोर हैप्पी राइट दैन इज वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग आर सेल्फ फ्रॉम टू अदर्स क्या होता है हम बहुत ज्यादा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं उसकी प्रिपरेशन कहाँ पहुँच गई है वेर दैट पर्सन इज स्टैंडिंग अब इस एग्जाम में क्या है एक इन्विजिबल कॉम्पिटिशन है हमें नहीं पता है हमारे स्कूल्स में भी यूज टू हैव लाइक थर्टी टू फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देट यूज टू बी आ कॉम्पिटिशन हमें वो दिख रहे थे सब इसमें क्या है इन्विजिबल कॉम्पिटिशन है हमें नहीं पता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से कितने बच्चे होंगे या इवन इफ यूर गिविंग या स्टेट एग्जाम्स कितने स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट हुआ गिवंग दीज एग्जाम्स राइट देर विल बी स्टूडेंट्स विल बी बेटर देन यू एंड देर विल बी स्टूडेंट्स विल बी यू नो लेसर देन यू तो हमें ये देखना है कि हम लोग हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं रादर दैन कम्पेयरिंग सेल्फ विद अदर्स अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि अच्छा उसने तो इतनी पढ़ाई कर ली या मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी या यू नो वॉट दैट पर्सन इज डूइंग वी आर यूजिंग अ अटल एनर्जी इन द रोंग डायरेक्शन वही चीज़ वही एनर्जी अगर मैं इस चीज़ में यूज़ करूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है मुझे आज क्या करना है मेरे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा वी आई एम यूजिंग माई एनर्जी इन द करेक्ट डायरेक्शन जो कि बहुत ज़रूरी है अगर मैं अपनी एनर्जी सारा टाइम एक गलत डायरेक्शन में यूज़ करती रहूंगी बाई द एंड ऑफ द डे हम बोलेंगे

का होगा और ईयर का होगा एंड ऑफ कोर्स हम जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाएंगे तो कोई और क्या कर रहा है किसी ने ज्यादा किया है कम किया है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ऑफ कोर्स हो सकता है समम हैज डन इट बिफोर यू और यू नो कम्लीटेड समथिंग बिफोर यू बट इट मेरीज फ्रॉम एवरीबडी यू कैन कंपेयर योर इंटेलिजेंस और यू कैन कंपेयर योर हार्डवर्क विथ एनी बडी किसी ने कर भी लिया है तो कितने अच्छे से किया है इसका तो कोई एंड ही नहीं है सो वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे लिए क्या जरूरी है राइट right? सो द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर एरियाज़ ऑफ नेगेटिविटी जो हमारे नेगेटिव एरियाज़ हैं ऐसा कौन सा चीज़ है या ऐसी कौन सी यू नो जगह है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा कौन सा टॉपिक है जब हम पढ़ने लगते हैं या जब हम सोचने लगते हैं उन चीज़ों के बारे में तो कहीं ना कहीं यू नो वी स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव क्या हर चीज़ तो ऐसी नहीं होती कि हमें नेगेटिव लगे सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो यू you नो know, एक नेगेटिविटी डेवलप होती है तो एक बार हम वो एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लें उन पर वर्क करना स्टार्ट करें तो ऑफकोर्स जो हमारी नेगेटिविटी है वो कम होगी और पॉजिटिव

सो द लास्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल मेरा पोटेंशियल कितना है ये भी मुझे समझ आना चाहिए जस्ट बिकॉज कोई और इंसान पंद्रह घंटे पढ़ सकता है डैट डज मीन मैं भी पंद्रह घंटे पढ़ सकती हूँ शायद मैं उससे ज़्यादा पढ़ सकती हूँ शायद मुझसे कम पढ़ सकती हूँ बट मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा पोटेंशियल क्या है शायद वो इंसान ज़्यादा देर पढ़ सकता है पर मैं जितने भी घंटे पढ़ूँ मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ती हूँ हम सबके अपने अपने पोटेंशियल होते हैं सो वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा खुद का पोटेंशियल क्या है और उस हिसाब से ही हमें करना चाहिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए

इंक्रीज डैट पोटेंशियल ये नहीं होना चाहिए हमारा जितना है वेल एंड गुड अदरवाइज करेंट बिकॉज जितना टाइम हम क्रिप करने पर लगाएंगे उतना ही हम अपने पोटेंशियल का अपने दिमाग का अपनी एनर्जी का गलत यूज कर रहे हैं राइट सो दीज आर दाइव थिंग्स टू स्टे पॉजिटिव राइट अपार्ट फ्राम दिस इफ यू नीड एनी हेल्प एंड इफ यूर गोइंग टू समझ प्रॉब्लम जिसको आपको लगता हैड मो पर्सनल अटेंशन यू कैन ज्वाइन आर कोर्स एंड यू विल गेट फ्री काउंसिलिंग सेट विल हेल्प यू विद्योर प्रेपरेशन फर्दर थैंक यू एंड है वेरी गुड डे